अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 की थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5, जिसमें डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑल्सो। आपको पता है क्वेश्चन किसे कहते हैं? डिवीजन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसे क्वेश्चन कहते हैं, और एंड पर जो नंबर्स बचते हैं वो रिमाइंडर कहलाते हैं। कॉपी पे किस तरह करेंगे मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट मेंशन करनी है, क्लास वर्क लिखना है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 मेंशन करनी है, फिर पार्ट नंबर, डिवाइड राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑल्सो। उसके बाद इन दोनों को हाईलाइट कर देना है डबल अंडरलाइन करके। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है 3, 4, 5, 6, 7, 3 by 13। आपको अगर 16 तक टेबल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी रफ साइड यूज कर सकते हैं डिवीजन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप फर्स्ट वैल्यू को अंदर रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 3 अंदर रखेंगे और 13 को बाहर रखेंगे और इनकी डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। अब अगर 13 का टेबल आपको अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप बिना रफ़ किए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रफ़ कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 13 2s are 26 है, हमें 34 चाहिए था, 34 बड़ा नंबर था, इसीलिए हमने 13 2s are 26 कर लिया। उसके बाद लाइन लगानी है, देन हमने माइनस करना है। अब 4 में से 6 माइनस नहीं होते, हमने 3 से कैरी लिया 14 में से 6 जब माइनस किए तो हमारे पास 8 बच गया। ऊपर से हमने 5 उतार लिया, 85 हो गया। अब हमें चाहिए था 13 के टेबल में 85, लेकिन 13 के टेबल में 85 नहीं आता। मैंने क्या किया, 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया, उससे छोटा नंबर 78 आ रहा था, मैंने 13 6 78 कर दिया, देन मैंने लाइन लगाई और उसे भी माइनस का निशान लगाकर माइनस किया। देन 5 में से 8 नहीं करते, 8 से कैरी ले लेंगे, 15 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 7 हो जाएगा, 7 में से 7 कट करें तो आंसर 0 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज रहने दें। देन ऊपर से 6 उतार लें, 76 हो जाएगा। अब हमें 13 के टेबल में 76 चाहिए, लेकिन आपने देखा पहले 78 आ रहा था, और मीन्स दैट 76 78 से छोटा है, इस वजह से हमें 76 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। मैंने 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65 आ रहा था, 13 5 65 मैंने पुट कर दिया, लाइन लगाई, माइनस कर दिया। देन 6 में से 5 कट किए 1, 7 में से 6 कट किए 1, ऊपर से मैंने 7 उतार लिया, 117 हो गए। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा क्या 13 के टेबल में 117 आता है, मैंने 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 117 आ रहा था, देन मैंने पुट कर दिया 13 9s are 107। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट नंबर था 3, वो अकेला नंबर था और 13 से भी छोटा था, इसीलिए वो हमारा रिमाइंडर हो गया। और अब मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो क्वेश्चन यानी ऊपर वाला जो आंसर आया था उसको मैंने अलग से मेंशन किया, क्योंकि अपनी स्टेटमेंट पे गौर करें, ऊपर लिखा है राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑल्सो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट किया और आंसर उसके सामने इक्वल लगाकर लगा दिया। देन मैंने रिमाइंडर हाईलाइट किया, इक्वल लगाकर जो रिमाइंडर था वो आगे लिख दिया और दोनों को डबल अंडरलाइन कर दिया। ये थी डिवीजन 2 नंबर्स के साथ। अब मैं आपको 3 नंबर्स के साथ भी डिवीजन करना बता देती हूँ। 3 नंबर्स के साथ कैसे डिवीजन करते हैं, सबसे पहले आपने पार्ट नंबर लिखना है, फिर 5, 3, 5, 5, 7, 0 by 2, 3, 1, फिर आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर सॉल्व लिखना है, देन फर्स्ट वैल्यू को अंदर रखना है, सेकंड वैल्यू को बाहर रखना है। डिवीजन के लिए आप रफ़क साइड यूज कर सकते हैं, और हमें चाहिए 535 चाहिए। अब हमने देखना है क्या 231 के टेबल में 535 आता है, अगर नहीं आता तो हमें उससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने सर्च किया लेकिन मुझे 535 नहीं फाइंड आउट हुआ, इसीलिए मैंने उससे छोटा नंबर ले लिया, 231 × 2, तो मेरे पास आंसर आया 462। मैंने क्या किया, 231 2s are 462 पुट कर दिया, लाइन लगाई और माइनस मेंशन किया, देन उसे माइनस कर दिया, 5 में से 2 माइनस किए 3, अब 3 में से 6 कट आउट नहीं होते, मैंने 5 से कैरी ले लिया 13 में से जब 6 कट किए तो मेरे पास 7 रिमाइंडर बचा, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो गया, 4 and 4 0। ओके, अब ये 73 हो गया था, छोटा नंबर था, 231 बड़ा था, मैंने ऊपर से 5 भी उतार लिया, अब ये हो गया 735। अब मुझे चाहिए 735
65 भी 231 पे नहीं आता, मैंने 231 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 693 आ रहा था, मैंने पुट कर दिया 231 3 6 93। ओके, मैंने पुट कर दिया, फिर उसको माइनस कर दिया, 5 में से जब 3 माइनस किए तो हमारे पास 2 आ गया। अब 3 में से 9 माइनस नहीं होते, मैंने कैरी ले लिया, 13 में से जब 9 माइनस किए तो हमारे पास 4 आया, यहाँ 6 रह गए थे, 6 एंड 6 0, ये 42 हो गया, 42 छोटा था, मैंने ऊपर से 7 उतार लिया, 7 उतारने से 427 बन गया। देन अब मैंने देखना है क्या 231 में 427 आता है, नहीं आता, मैंने सिंपली 231 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 231 1 जा 231, पुट कर दिया, लाइन लगाई, माइनस स्टार्ट कर दिया, 7 में से जो 1 माइनस किया तो 6 आ गया, 2 में से 3 कट नहीं होते, 7 वाले नंबर से कैरी लिया, 12 में से 3 कट किए, मेरे पास 9 बच गया, वो मैंने लिख दिया, 3 में से 2 कट किए 1, ये बन गया 196। अब 196 231 से छोटा है, इसीलिए मैंने ऊपर से 0 भी उतार लिया, अब ये बन गया 1960। ठीक है, अब मैंने 231 को जब 8 से मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरे पास 1848 आया, मैंने उसको पुट कर दिया और माइनस लगाकर लाइन लगा दी। देन 10 में अब 0 में से 8 नहीं कटता, मैंने 6 से कैरी ले लिया, 10 में से 8 कट किए 2 बच गया। ठीक है, यहाँ 5 रह गए थे, 5 में से 4 कट किए 1, 9 में से 8 कट किए 1, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 112। क्यों? क्योंकि 231 बड़ा है, 112 छोटा है और फर्दर आगे भी कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये रिमाइंडर हो गया। और मैंने क्वेश्चन लगाकर ऊपर वाला आंसर जो आया था इक्वल लगाकर आगे लिख दिया है, और जो रिमाइंडर बच गया था वो मैंने रिमाइंडर को लिखकर इक्वल लगाकर 112 लिख दिया और दोनों को हाईलाइट कर दिया। इन माइनस को लगाना मत भूलिएगा और अपनी कॉपी पर सेम यही क्वेश्चंस इसी पैटर्न से करिएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।